वेलकम फूडीज, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग बोल में। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो व्रत में आप लोग आसानी से खा सकते हैं, या फिर अगर आप लोग मसालेदार खाना कम खाते हैं तो ये आलू की सब्जी आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। बिना प्याज और लहसुन के बस 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली आलू की सब्जी, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है ये आलू की सब्जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। आलू की सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून तेल ले लेना है। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। इसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दें। मसाले को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें। मैंने यहाँ 4 बड़े आलू को 90% तक बॉईल करके उन्हें रफली चॉप कर लिया है। इन्हें तेल में मसाले के साथ फ्राई कर लें। हमें आलूओं को 4 से 5 मिनट लो फ्लेम में ऐसे ही फ्राई करना है, जब तक कि आलू के ऊपर गोल्डन कलर ना आ जाए। 5 मिनट बाद इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है। नमक आप आपके स्वाद अनुसार दे सकते हैं। इन्हें मिला लें। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी दे देना है। 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दें। और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल दें। और 3 से 4 मिनट लो फ्लेम में मसाले के साथ आलूओं को फ्राई कर लें। मैं यहां 1/4 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको सब्जियों में चीनी खाना पसंद नहीं है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। सब्जियों में पानी आप अपने हिसाब से डालिए, जितना कि आपको ज़रूरत है। अच्छे से मिला दें। आलूओं को मैंने 90% तक बॉईल कर लिया था, तो अभी इसे 5 मिनट तक ही बस ढक के पकाना है। 5 मिनट बाद आलू की सब्जी कुछ ऐसी दिखेगी। इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दें, इससे सब्जी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमारी 10 मिनट में बनने वाली आलू की सब्जी एकदम रेडी है। इसे आप रोटी या पूरी के साथ खाएं। तो फूडीज, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आप लोगों को, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्रेस द बेल बटन। बाय बाय, मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ।